नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राइडर परिवार में। दोस्तों आज आपको लेकर चलूंगा मैं रायगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर कर्मागढ़ नामक गांव पर, जहां पर ऊषाकोठी नामक जगह है जिसमें लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना भित्ति चित्र पाए गए हैं। दोस्तों जिसमें से लगभग 1000 से ऊपर चित्र उकेरे गए हैं। यह रायगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि सुंदरगढ़ रोड और कर्मागढ़ गांव के पास है। यहां जाने के लिए दोस्तों आप लोगों को 5 किलोमीटर जंगल में गाड़ी चलाना पड़ेगा और यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, आपको सावधानी पूर्वक जाना होता है। तो चलिए आज आपको अंदर लेकर चलते हैं ऊषा कोठी का और दिखाते हैं कि वहाँ का जो भित्ति चित्र है वो किस प्रकार से बनाए गए हैं। ऊषा कोठी लगभग जमीन तल से 700 फीट की ऊंचाई में है, जहां कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं आता है दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों से वहां पर नेटवर्क वगैरह आना चालू हो गया है। अगर आपका जियो का सिम है तो वहां नेटवर्क आ जाएगा, आप गूगल मैप के जरिए भी यहां पर जा सकते हो। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं रायगढ़ का बहुत ही पुराना ऊषा कोठी भित्ति चित्र को। तो चलिए आगे में मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों अभी हम हैं ऊषा कोठी कर्मागढ़ में, जो कि रायगढ़ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों अभी हम आए हैं यहां पर शैला लेख या शैल चित्र देखने। दोस्तों यहां पर रॉक पेंटिंग पाया गया है जो लगभग 5000 साल पुराना है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। और आस पास आज हमारे साथ है, इधर ये देख सकते हैं अपना हीरो और इधर दूसरा हीरो, ये तो ये है अपना भाई मलाकार भाई पुस्तम मलाकार और ये है अपना कमलेश भाई। तो साथ में दोनों चलेंगे आप लोग तीनों, और चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं 5000 साल पुराना रॉक पेंटिंग को। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ऊषा कोठी कर्मागढ़ में और देख सकते हो यहाँ से ये जो बड़ा पेड़ है यही मेन है। अगर पेड़ में ये चारों तरफ जो पत्थर से बनाया गया चौरा है वैसे दिखेगा आपको, यहीं से फिर उसके बाद आपको दिखेगा ये जो जंगल को घेरते पत्थर से, वो फिर आपको ये राइट साइड जाना है। इसके आने के लिए मैं बता दूंगा कि कैसे आना है दोस्तों, पूरा गूगल मैप में मैं डाल दूंगा। और यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से व्यू है और देख सकते हो वासना का क्लाउड, देखिए यार क्लाउड बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे आप आओगे तो यहाँ देख सकते हैं कमलेश और पुस्तम आगे आगे जा रहे हैं और ये जो दिखा है देख सकते हैं यही मेन है। यहाँ पर ये मेन जो पेड़ दिख रहा है आपको दिखा देगा, ये पेड़ है दोस्तों देख सकते हो, और पेड़ में जो ये घेरा हुआ है पत्थर का इसी को देखकर आपको आना है। उसके बाद ये जो है उसके बाद इसी को लेकर आपको राइट से नीचे उतरना है। चलिए तो नीचे उतरते हैं, यहाँ से देख सकते हो ये नीचे उतर रहे हैं हम, और यहाँ से एक पगडंडी है इसी से आपको नीचे उतरना है दोस्तों। और बहुत ही प्यारा जगह है देख सकते हो आस पास का, यार क्या क्लाउड देख सकते हो, बादल में क्लाउड कितना प्यारा लग रहा है, वाओ यार आस पास का व्यू देखिए दोस्तों क्या गजब के नजारे है, वाओ। चलिए आपको लेकर चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों अभी हम पहाड़ उतर रहे हैं, चलिए आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से जाते हैं पुस्तम, उधर से नहीं जाते, इधर से उतरते हैं, ये आपका पगडंडी रास्ता है दोस्तों, इसी में आपको लेकर चलते हैं। उधर से नहीं जाते, इधर आप इधर से उतरना, इधर रास्ता है भैया ना। तो ये दोस्तों ये जो देख रहे हैं इसे आपको जाना पड़ता है, और ये रास्ते देख सकते हो जो कि 19वीं-20वीं सेंचुरी का होगा, 5000 साल पुराना, ये जो चट्टान देख रहे हो 5000 साल पुरानी है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पर जो शिला लेख पाए गए हैं आपको कावरा पहाड़, सिंघनपुर पहाड़ और ये कर्मागढ़ ऊषा कोठी, ये बहुत कम है क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत कम आते हैं, ये जंगल के अंदर में पड़ता है, इस वजह से लोग यहाँ पर आने पर डरते हैं, भालू का और हाथियों का डेरा है यहाँ पर, तो आने में बहुत लोग डरते हैं। तो आप आ सकते हो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गाड़ी यहाँ पर आ जाता है आपका, गाड़ी से लगभग आपको 100 मीटर नीचे जाना होता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर से गुफा चालू हो जाता है जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अति अंतर और खूबसूरत रॉक पेंटिंग को, चलिए आपको लेकर चलते हैं बंद। तो दोस्तों हम पहुंच रहे थे तो यहाँ पर अपने को घोंसला मिला, देख सकते हो ये चिड़िया का घोंसला, यहाँ पर अंडा भी है दोस्तों, देख सकते कितना प्यारा लग रहा है यार, वाओ देख सकते हो यहाँ पर घोंसला में अंडा, वाओ। तो बहुत दिनों बाद देखने को मिला है अपने को घोंसला, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर जो चट्टान का पानी है आप देख सकते हो रिस रिस कर नीचे आ रहा है ये पानी कुछ इस प्रकार से। चलिए और भी नीचे चलते हैं। सो भाई सब हम निकल रहे हैं अपने गुफा देखने के लिए, तो देख सकते हो कितना खतरनाक रोड से जा रहे हैं यहाँ से, आप कमलेश इतना घुरते उड़नते उड़नते नीचे आ रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं और इस चट्टान को देख सकते हो, ये बहुत प्राचीन चट्टान है, इसी चट्टान में आपका रॉक पेंटिंग बनाया गया है। चलिए लेकर चलते हैं, देख सकते हो मेरे पीछे चट्टानों को देखिए आप, कितना खतरनाक नज़ारे है यार दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो यहाँ से देखिए पूरा जब बारिश होता है तो इसमें पर बारिश में पानी, और देख सकते चट्टान को देखिए आप कितना खतरनाक लग रहा है। तो दोस्तों गुफा को देखिए यार, कितना ये चट्टान कैसे कटा है इसको खूबसूरती का आप अंदाजा लगा सकते हो, इतना प्यारा लग रहा है, वाह जंगल देख सकते हो
तो दोस्तों आप चट्टान को देख रहे हैं, यही चट्टान में आपका रॉक पेंटिंग बना हुआ है उस वक्त, ठीक है। और चलिए चलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और चलिए अंदर चल, नीचे चल, नीचे यहाँ से कुछ इस प्रकार से पहाड़ कटा हुआ देख सकते हैं। इसी पहाड़ में आपका कर्मागढ़ का जो शैल चित्र पाया गया है यही है दोस्तों, ये देखिए। नीचे में आपका रैंकिंग के जो रोलिंग है उससे घिराया हुआ है ये। चलिए चलते हैं और ये आसपास के जंगल को देखिए, कितना प्यारे नज़ारे हैं, वाह इधर से देख सकते हो। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने मंजिल पे दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं ये जो रैंकिंग जो रोलिंग लगा हुआ है, यही रोलिंग के अंदर पूरा पेंटिंग जो रॉक पेंटिंग है वो पाया गया है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं जो रॉक पेंटिंग है 5000 साल पुराना उसको दिखाने के लिए। चलिए यहाँ से ये जो जगह दोस्तों देख रहे हो यही से वो रॉक पेंटिंग चालू हुआ है, लेकिन यहाँ को यार लिख लिख के लोग आते हैं घूमने के लिए, देख कर जाते हैं लेकिन लिखना गलत कर रहे हैं, अपने नाम वगैरह लिख कर जो गए हैं उसको नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। ये हमारी पुरानी जो सभ्यता थी उसको दिखाने के लिए है, तो आप इसको सहज कर रखें ना कि इसको गंदा कीजिए। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आते हो कर्मागढ़ उषा कोठी, तो ये रॉक पेंटिंग को मिटाने की कोशिश ना करें दोस्तों, कुछ भी ना लिखे। पानी भी डालते हो आप लोग तो पानी ना डालिएगा, क्योंकि पानी डालने से और मिटता है वो। चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा रॉक पेंटिंग दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं रॉक पेंटिंग कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग हुआ है, चलिए आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से पूरा ही जितना भी रॉक पेंटिंग आप देख रहे हैं ये देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से पूरा बना हुआ है। ये पूरा पहाड़ में है दोस्तों, देख सकते हो पूरा ऊपर से आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हो हर एक प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये बहुत प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ये पूरा रॉक पेंटिंग है देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, बहुत सारे हैं यार, देखा हजारों की तादाद में कह सकते हैं हम। और देखिए बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हैं इसमें कुछ इस प्रकार से। तो रॉक पेंटिंग को सहज कर रखना जरूरी है, लोग यहाँ पर आते हैं और अंदर जाकर अपना नाम वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर नाम वगैरह लिखे हैं दोस्तों, ऐसे तो ये नाम नहीं लिखना चाहिए। तो देख सकते हो ये पूरा रॉक पेंटिंग आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पूरा देख सकते हो हजार प्रकार के डिज़ाइन बने हुए हैं इसमें, देख सकते हो ये पूरा डिजाइनिंग है यहाँ से, ये भी देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा डिजाइनिंग, यहाँ तक पूरा ऊपर को भी दिखाता हूँ आपको, ऊपर में भी डिजाइन देखिए। तो पूरा जितना रॉन्ग पेंटिंग है आपको दिखा दिया हूँ मैं, इसी प्रकार से पूरा डिजाइनिंग बनाए हुए हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा। और ये हाथ देखिए, ये पूरा पहाड़ में रॉक पेंटिंग है यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा आप देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा हजारों साल पुराना रॉक पेंटिंग आप देख रहे हो, पूरा रॉक पेंटिंग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, तो पूरा डिजाइनिंग बनाया हुआ था आदि मानव के द्वारा, और जो कि हमारे पूर्वज कहलाते हैं वो ये सब डिजाइन ये बनाने का क्या मतलब रहा होगा, किस लिए बनाया होगा आज तक पता नहीं चल रहा है, और क्या क्या डिजाइनिंग बनाया उसको भी आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो देख सकते ये पूरा एक साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको, पूरा इसी प्रकार से हम डिजाइन बनाए देख सकते हैं, ये पूरा उषा कोठी का। हेलो हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो पूरा डिजाइनिंग जो बनाए हुए हैं ऊपर से नीचे तक, यही वो 5000 साल हमारे आदि मानव के द्वारा बनाया हुआ शैल चित्र है दोस्तों। इसको आप पुस्तक में पढ़े होंगे, बहुत सारे पुस्तक में यहाँ का जो रायगढ़ है आप जानते हो वो शैल चित्र से भरा हुआ है, काबरा पहाड़, कर्मागढ़, आपका सिंघनपुर और खरसिया का बहुत सारे पहाड़ है जिसमें शैल चित्र पाए गए हैं। शैल चित्र है, भित्ति चित्र है, बहुत सारे यहाँ पर रॉक पेंटिंग जो बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो यही है दोस्तों आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग रॉक पेंटिंग को देखने के बाद अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जंगल है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, खतरनाक जंगल है। इसमें हम अपने घर वापसी की ओर चल रहे हैं, और ये कुछ इस प्रकार से सीढ़ी इसमें चढ़ना पड़ता है आपको देख सकते हो। यहाँ पर एक पानी के लिए सुविधा भी है, तो पानी वानी पीने के लिए, चलिए चलते हैं।
सो फाइनली गाइस हम घूम चुके हैं उषा कोटी कर्मागढ़ का रॉक पेंटिंग और हमारे आसपास का आप जंगल को देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी आप भी आ सकते हो, घूमने के लिए आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक डाला हुआ हूँ, वहाँ से आप आ सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक में दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।